हेलो एवरीवन, सो दिस इज सौरभ अगेन। और एक बार फिर से मैं अपनी जर्नी स्टार्ट कर चुका हूँ, जो है इस बार हिमाचल। मैं रात को 9:30 बजे अपनी जर्नी स्टार्ट करी और दो लोगों को पिक किया अपने साथ, जिनका नाम था हिमांशु एंड पुनीत। ब्ला ब्ला कार के थ्रू अनलोन लोग थे, लेकिन बहुत ही अच्छी जर्नी रही इनके साथ और बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए ये मेरे। तो पूरी रात गाड़ी चलाने के बाद 16-17 घंटे के बाद 370 रुपये के टोल दिए एंड मैं अगले दिन में 2:30 से 3 बजे के बीच में जाके जीबी पहुंचा। एक टायरिंग डे था, ट्रैफिक था एंड उसकी वजह से काफ़ी टाइम लगा, लेकिन फाइनली हम जीबी पहुंचे एक मुश्किल ड्राइव के बाद। तो हेलो एवरीवन, अभी मैं हूँ जीबी में अपने होटल में। तो कल रात को 9:30 बजे निकलने के बाद मैं दिन में 3 बजे पहुँचा हूँ जीबी अपने होटल। अब मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, तो मैं आसपास के कुछ जगह एक्सप्लोर करूँगा और देख के आऊँगा। मैंने रास्ते में कुछ लोगों को लिफ्ट भी दी एंड मुझे 16-17 घंटे का ऑलमोस्ट आसपास का टाइम लगा है, बिकॉज रास्ते में बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक था। सो टायर्ड हूँ, अभी थोड़ा फ्रेश हो गया हूँ, लेकिन फिर भी मैं कल से सोया नहीं हूँ 7 बजे के बाद से, तो बहुत ज़्यादा टाइडनेस हो रही है। सो लेट्स सी जितना भी कवर कर सकते हैं, बाकी कल फिर जीबी को एक्सप्लोर करेंगे। सो उस सेल में आपको अपना ये होटल दिखा देता हूँ, जो मुझे ज़्यादा खास अच्छा लगा नहीं है। काफ़ी पार्किंग दूर है और चल के आना पड़ा है, लेकिन फिर भी सो दिस इज़ द प्लेस। एंड फिर मैं यहाँ से जीबी वाटरफॉल की तरफ गया अपने दोस्तों को पिक करके, लेकिन तब तक शाम हो चुकी थी और अंधेरा हो चुका था एंड हम ज़्यादा शूट कर नहीं पाए। तो हमने सोचा चलो अगले दिन ही अपना डे शुरू करेंगे अच्छे से एंड हमने अपना आज का दिन थोड़ी जल्दी एंड कर दिया, बिकॉज ऑफ रात भर की ड्राइव के बाद काफ़ी टायर्डनेस थी, तो हम थोड़ी जल्दी ही सो गए। तो आज है संडे एंड सुबह के बज रहे 6। सो मैं सोच रहा हूँ कि अब यहाँ से हम चले जलोरी पास से हम सरोलसर लेक की ट्रैक पे जाएंगे। हम इसलिए क्योंकि मेरे एक दो फ्रेंड बन गए हैं इस ट्रिप पे, जो जिनको मैंने लिफ्ट दी थी और वो मेरे साथ ही प्लान कर रहे हैं अपना आज का डे। तो कल का डे बहुत ही ज़्यादा टायरिंग था, आज मैं सोच रहा हूँ कि सुबह एटलीस्ट कुछ तो स्टार्ट करूँ, कुछ घूमूँ यहाँ वहाँ। सो अब अर्ली मॉर्निंग 6 बजे मैं उठ चुका हूँ, थोड़े शूट करूँगा, सिनेमेटिक शॉट्स लूँगा एंड यहाँ से जलोरी पास की 12 किलोमीटर की ड्राइव होगी जो करूँगा एंड उसके बाद सरोलसर लेक ट्रैक करके जाएंगे। सो लेट्स ड्राइव एंड एक्सप्लोर। माउंटेन्स की सबसे अच्छी बात यही होती है कि जब सुबह उठ के आप ये पूरा एम्बियंस देखते हैं चारों तरफ अपने, तो एक अलग ही एक अच्छी सी एक रिफ्रेशिंग सी फील आती है, जिसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते वर्ड्स के अंदर, क्योंकि इतनी पॉजिटिव वाइब और इतनी फ्रेशनेस होती है एयर में सुबह के टाइम और किसी भी टाइम, वैसे सुबह के टाइम तो और भी ज़्यादा, कि एक अलग ही आपको एनर्जी मिल जाती है सुबह उठते ही और आप जब चारों तरफ अपने ऐसा व्यू देखते हैं। तो यहाँ पर रोड काफ़ी नैरो है, सो अगर आपको अपनी कार पार्क करनी है तो आपको अपनी कार ऐसे रोड के साइड में पार्क करनी होगी। मैंने भी अपनी कार रोड के साइड में पार्क करी है, बट मुझे थोड़ा अच्छा ऑप्शन मिल गया था, आई विल शो यू। एंड यू कैन सी मेरी कार की हालत एकदम गंदी हो गई है, पूरे हाल इसके अभी, बट कोई बात नहीं। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के पास जो मुझे कल मिले थे, जिनके साथ मैं जा रहा हूँ जलोरी पास एंड सरोलसर लेक। सो लेट्स सी कि वो उठे नहीं उठे एंड उनको लेते हैं एंड चलते हैं ड्राइव पे। सो आई एम एट जिबी वाटरफॉल राइट नाउ, मैंने अभी अपनी कार पार्क करी है, मेरे दोस्त सो रहे थे, मैंने सोचा सीधा यहीं आ जाऊँ और शूटिंग स्टार्ट करता हूँ, क्राउड भी कम होगा और सुबह के एम्बियंस भी अच्छा मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। Thank you.
फिर यहाँ पर शूटिंग खत्म करने के बाद मैं अपने दोस्तों को पिक किया और मैं जलोरी पास की तरफ गया, जो 12 किलोमीटर की ड्राइव थी, लेकिन इतनी आसान नहीं थी क्योंकि पूरा का पूरा रास्ता स्टीप है एंड नैरो है, तो आपको देख के गाड़ी चलानी पड़ती है एंड एट द सेम टाइम आपकी गाड़ी काफ़ी खिंचती है क्योंकि पूरे के पूरे टाइम हम स्टीप चढ़ रहे होते हो। तो जाते टाइम जलोरी पास तक पूरे का पूरा 12 किलोमीटर की जो ड्राइव थी उसको कवर करने में शायद हमें 40 मिनट से लेकर 1 घंटे के आसपास का टाइम लगा था, क्योंकि थोड़ा सा ट्रैफिक था और नैरो रोड की जैसे आपको तो बार बार साइड लगानी पड़ती थी गाड़ी के सामने से, अगर कोई बस वगैरह आती है तो दो कड़ी निकलने का इतना स्पेस है नहीं। बट फाइनली हम पहुंचे ऊपर जलोरी पास। मीट माय टू पार्टनर्स हिमांशु एंड पुनीत। इनको मैंने लिफ्ट दी है and now they're enjoying Himachal first time and views awesome to the free though fantastic लड़के थक गए अभी से। थका नहीं है भाई, अभी तो सांस फूली हुई है, आगे वाले को तो ब्रेक चाहिए। इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया से पहले कि इन्होंने 4 बीयरें पी है सुबह सुबह। सो एक 1.5 घंटा हो चुका ट्रैक करते हुए, हमने बीच में एक ब्रेक भी लिया एंड अब इन दोनों की बियर पीने के बाद हालत थोड़ी ठीक हो गई है। कल बियर नहीं पियेंगे लेकिन कल बियर नहीं पियेंगे क्योंकि कल का ट्रैक बड़ा है। ज़्यादा मुश्किल ट्रैक नहीं है, सीधा सीधा सा ट्रैक है, थोड़ी सी ऊपर थोड़ी सी वो नीचे, कोई ऐसे भी स्टीप स्टोन मुझे पार करने को नहीं मिले जिसमें मुझे हाथ पकड़ के चढ़ना पड़े, तो आसानी है अभी तक, तो मुझे लगता है एंड तक भी आसानी होगा, सो ईजिली डूएबल है। सो शायद किसी ने कहा 1.5 घंटे 40 मिनट और है, सो शायद 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे हम, लेट्स सी। एज यू कैन सी आसान सी ट्रेल है, अनलेस रनटेर आप बहुत ज़्यादा अनफिट है तो। बस इसमें यह है कि थोड़ी से अपने आपके शूज़ की ग्रिप अच्छी हो तो अच्छा है, क्योंकि स्टोन है और काफ़ी पतले या लाइट शूज़ या सैंडल्स पहन के नहीं आए, बिकॉज कि यही है कि स्टोन में फिर वो आपको चुभेंगी। तो जैसे मेरे अभी प्रॉपर ट्रैकिंग शूज़ है एंड जो भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ग्रिप भी अच्छी आ रही है। ये तो पिकनिक स्पॉट है, पिकनिक स्पॉट लग रहा है।
चार घंटे बाद हम आखिरकार बैठ के चिल मार रहे हैं। तो ज़्यादा भाई को एक घंटे का गैप चाहिए यहाँ पर बैठने के लिए। एंड 3 घंटे बाद ये बर्थ है आना यहाँ पर मस्त है। आए तो बोल लो वापस उतरने के लिए। सिर्फ उतरना ही नहीं चढ़ना भी पड़ेगा, पर काफ़ी स्टीप चढ़ाई है काफ़ी लंबे टाइम के लिए, जो जाते टाइम नहीं है। आई थिंक जब वापस आ रहे हैं तो एक कम से कम 2 किलोमीटर का पैच है जिसमें सिर्फ आपको चढ़ना ही होगा, 2 नहीं तो एटलीस्ट 1.5 किलोमीटर जिसमें बैंड हो जाएगी। कभी भंवर गिरे कभी भंवर गिरे वहां से फ्लिप मार के सीधा लैंड करो सुपरमैन लैंड सुपरमैन ना ट्रैक खत्म हो गया और हम वापस जा रहे हैं। फिर उनकी बैंड बजी हुई ऊपर चलने में, लेकिन पहुंचना है 6 बजे से पहले घर। और ड्राइव भी करनी है और भाई को बियर भी कोई पीनी है और फूकना भी ट्रैकिंग खत्म करते करते हमें हो गई थी शाम, एंड शाम का मतलब हिमाचल में होता है अंधेरा, तो हमें काफी अंधेरे पे गाड़ी वापस उतारनी पड़ी एंड अपने होम स्टे पहुँचते हमारे काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि रास्ते में थोड़ा सा ट्रैफिक भी मिला था एंड ऊपर से मेरे होम स्टे पर लाइट नहीं आ रही थी जो पूरी रात नहीं आने वाली थी। तो मुझे रात को ही अपना सारा सामान लेके अपने दोस्तों के होम स्टे पर शिफ्ट करना पड़ा क्योंकि मुझे अपने कैमरा इक्विपमेंट चार्ज करने थे। एंड बस वहीं पर ही बैठे बैठे हमारी शाम और आज का डे ख़त्म हो गया। हेलो एवरीवन, सो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ये मेरा पहला ब्लॉग था हिमाचल पे, माउंटेन्स पे अभी और भी ब्लॉग आने वाले हैं क्योंकि उत्तराखंड एंड हिमाचल दिल्ली के सबसे पास है और सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल जगह है और मेरे हट के बहुत क्लोज है क्योंकि मुझे बहुत पसंद है माउंटेन्स पे जाना। तो और भी बहुत जल्दी ब्लॉग आएंगे इसके ऊपर। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन सो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा। एंड प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स सो मेरा चैनल थोड़ा सा ग्रो हो जाए यार, क्योंकि अभी स्टार्ट किया है तो अभी चैनल ग्रो करने की बहुत नीड है। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और जब तक अगली वीडियो अपलोड नहीं होती है कीप ड्राइविंग कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप ड्राइविंग एक्सप्लोर।